और यहां पे मैं लगभग 1 से 1.5 सेकंड के बीच में 3 बंदे पेल देता हूं। और बढ़िया बात यह है यार, मुझे पता भी नहीं था ऊपर बंदे बैठे हैं। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े, गलत कैंपिंग से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और ये मैच खेलते टाइम यार ऐसा लग रहा था कोई पैसों का टूर्नामेंट खेल रहा हूं मैं। हाँ मतलब बंदे भैया हिल के नहीं दे रहे हैं, ढीठ की तरह बैठे पड़े हैं एक जगह पे। और मैं सोच रहा हूँ यार अब से मैं रुझौक के अलावा कहीं पे भी ना जाऊं, अब तो रुझौक से भी भरोसा उठने लग गया है। एक बंदा सामने उड़ते हुए दिखा मुझे और पूरा रुझौक खा लिया, पूरा रुझौक। खैर यहां पे मैं आता हूं लेकिन पता चलता है इस घर पे भी कोई बंदा बैठा है। तो फुटी स्टेप अभी तो ऊपर से आ रहे हैं लेकिन ये बंदा बहुत ही खतरनाक होता है। और ये बंदा जो मेरे लेफ्ट में आ गया अचानक से, न जाने कहां से भाई छलांग लगाते हैं। फुट स्टेप पहले ऊपर से आ रहे थे, अचानक से बंदा लेफ्ट में खड़ा है, बहुत फट गई थी एक टाइम के लिए। खैर उसका टीममेट भी इधर आता है, दोनों को पेल दिया, दोनों पे सस्ती लूट। मतलब रुझौक आए हैं यार, क्या चाहिए, ये सोडगर मिल गई वो भी बहुत बड़ी बात है। तो देखो रुझौक में 2-2.5 बंदे आए होते हैं, एक आध बॉट आए होते हैं, उनको पेलता हूं। और जैसा कि मैं कह ही रहा था यार, हर कोई सेफ खेल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। सीजन खत्म होने वाला है यार, अब कहां तक रैंक पुश होगी। खैर जो भी हो, आगे स्कूल में भी बंदे बैठे होते हैं और दिखता है मुझे एक बंदा ओपन में भगते हुए। अब देखो इस बंदे को मैं ओपन में नॉक करता हूं, ठीक है। न जाने क्या कर रहा था ये बोट पेलने आया था या सांप बनने आया था यार, हमें कद्दू भी नहीं पता। मुझे इतना पता है बहुत जोर से लालच लगी है भूख की, पहलना ही पड़ेगा घुस के। और मेरी गनों की हालत देखो, एक है M16 जो कि ठीक ठाक गन है लेकिन उसमें सिर्फ 16 गोली है, और दूसरी गन को गन बोलते हुए भी शर्म टैप आती है मुझे। और जिस हिसाब से ये बंदे इधर उधर भाग रहे ना यार, मैं समझ जाता हूं वो बंदा जिसे नोक किया था वो रिवाइव हो चुका है। तो करना क्या है यार, गने कितनी भी सस्ती हो, गोलियां जितनी भी बची हो, रस तो करना ही पड़ेगा। ये 2-2.5 किल से क्या होगा जिंदगी में। अब एक बंदे को मैं नोक करता हूं, जोश डबल हो जाता है। और ये देखो क्यों मैं इस गन को सस्ती बोलता हूं। अब मैं मानता हूं यार मेरा स्प्रे भी सस्ता था, लेकिन अगर UMP के अलावा कोई भी और ढंग की गन होती ना, वो बंदा 100% नोक हो जाता। खैर अब दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि यार आखिरकार एक ढंग की गन मिली है, AKM मिल गई है भाई को। तो करना क्या है, उस बंदे को पकड़ने के लिए आ रखा हूं जो UMP के सस्ते स्प्रे से बच गया था। और हमारे भाई यहीं कहीं बैठे पड़े हैं, फुटी स्टेप आ रहे भाई के। और देखो मैं सामने की तरफ देखता हूं क्योंकि सामने एक और बंदा था इनका, लेकिन वो बंदा क्या करता है, गाड़ी लेके गायब हो जाता है यहां से, ठीक है। और वो वही बंदा है जिसको मैंने सबसे पहले नॉक किया था स्कूल की साइड। तो भाई नॉक हुए, भाई को रिवाइव दिया उनके टीममेट्स ने, जान की बाजी पे खेल के उस भाई के टीममेट ने रिवाइव दिया उसे, और उसके बाद सारे टीममेट हिल गए लेकिन भाई बच के निकल लिए। मतलब बंदे ने सोचा भी नहीं कि यार बदला ले लूं या कोशिश कर लूं बचाने की, बाइक उठाई और गायब। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, वैसे ये जो भी हुआ तुक्के में होगा, लेकिन उस बंदे को पकड़ के पेलेंगे। खैर फिलहाल मैं भग रहा होता हूं गाड़ी लेने के लिए, लेकिन उतने में ही एक गाड़ी सामने आ जाती है। और इस गेम को अचानक से क्या हो गया यार, मेरे समझ के पार है। खासकर ये वाला सीजन भाई, हर कोई बंदा, हर कोई बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा है। जैसे इस भाई को ही देख लो जिसे अभी नोक किया, न जाने कहां वो उतरा होगा भाई, गाड़ी लाता है, गाड़ी रोकता है वहां पे, और पता नहीं क्या ही कर रहा होता है भाई, भाई के अपने ही सीन होते हैं। खैर जो भी हो, हम भी ठीक है यार, मतलब बंदे एक जगह नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जगह जगह जाके पेलेंगे। और जैसा कि मैं कह ही रहा था यार, वो बंदा जो बच के भगा उसे पकड़ के जरूर पेलेंगे। तो देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। ये वही था
और जिस बंदे को अभी अभी उजी से पेला ना, ये वही बंदा है जिसको मैंने स्कूल के सामने पेला था, और ये वही बंदा है जो सामने से बाइक लेके भाग गया था। मतलब भाई रुझौक उतरे, रुझौक भी नहीं यार, स्कूल उतरे, स्कूल के बाद लड़ाई हुई, भागे वहां से और सेभरनी पहुंच गए। और भाई की किस्मत इतनी खराब, हम वहां पे भी पहुंच गए, ड्रॉप लेने गया था, बंदा सामने मिल गया। खैर जो भी हो, आगे जाएंगे और आगे जाके ढंग से बंदे भी लेंगे, सकौट सकौट से लड़ेंगे और एक खतरनाक सकौट वाइब भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्स बैट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स खेल सकते हो, इसमें कई सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो और ई स्पोर्ट्स पे बैट बूट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपये तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में होगा। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज का शौक है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यार जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी हलवा है यार, बिल्कुल पेटीएम, पेपाल, गूगल पे सब कुछ है इसमें। और यार आखिरकार जाके थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है। तो दो बंदे नॉक कर चुका हूं और जहां तक मुझे पता है एक और बंदा इनका यहीं कहीं जिंदा है। अब देखो जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे आके पहुंच गए हैं दोबारा। रुझौक पे उतरा था, सिर्फ 2 किले मिली थी, वो भी ढंग से नहीं मिली थी यार। उसके बाद दोबारा रुझौक की पहाड़ी पे आता हूं और एक 3 बंदों की सकौड मिलती है। खैर इन तीनों को पेल दिया और यार खाता खुल चुका है, सकौड मिलना चालू हो चुकी है। और देखो मैं लगभग सारी जगह देख चुका हूं, पोचंकी, सेभरनी, सकूल, हर जगह ढूंढ के आ गया बंदों को, कद्दू कोई नहीं मिला। तो मैं बोलता हूं क्या पता जॉर्ज गए हो बंदे, क्या पता गलती से जॉर्ज पहुंचे हो बंदे। तो जॉर्ज का तो पता नहीं, लेकिन यार इस घर पे जरूर होते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो यार एक का दिन पहले मैंने नेट को चकमा दे दिया था, नेट मेरे मुंह के सामने आया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और नेट कहीं और ही निकल लिया। और याद करो यार मैंने बोला था नेट बदला जरूर लेगा। तो हाँ यही है, यही वो मैच है, टाइम आ गया है नेट का बदला लेने का मेरे से। और यहाँ पे मेरे से नेड अपना हिसाब बराबर कर लेता है। अब देखो मैं उस छोटे गैराज के अंदर होता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया यहाँ से कट लो, ये लोग नेड 100% गारंटी डालेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या बोलता हूँ, सोचता हूँ इन्हीं के घर पे घुसूंगा। मैं धैड़ पैड़ वहाँ से निकलता हूँ, हील करता ही वहाँ से भगता हूँ ताकि मेरे पे नेड ना पटे। और मुझे क्या पता यार, जहाँ पे मैं भग रहा हूँ वहीं रस्ते पे ही नेट पड़ा है। अब या तो जो बंदा नेट कर रहा है वो हद से खतरनाक 1000 IQ वाला गेम प्ले कर रहा है भाई, मतलब रोड पे नेट फेंक दिया, या तो फिर वही हो रहा है यार जो मुझे लग रहा है, नेट बदला ले रहा है मेरे से अपना। खैर नेड ने जो भी गलत सीन करने थे कर दिए यार, पहले नेड से डैमेज हुआ, उसके बाद गन से नॉक हुआ, उसके बाद दूसरे नेड ने तो भैया रास्ते पे ही नॉक कर दिया। लेकिन अब अंदर आ चुके हैं और अब आराम से संभल के रस करना पड़ेगा। और अगर आप मैप में फुटस्टेप देखोगे ना भाई, चार चार आ रहे हैं, चार चार बंदे बैठे पड़े हैं, उसके ऊपर से तांबे पे सुहागा करने के लिए भाई लोगों ने स्मोक भी कर दिया है। स्मोक भैया दीवार के आर पार आ रहा है, छत से नीचे स्मोक दिख रहा है। खैर जो भी हो, सामने वाले छोटे घर पे मैं ये जलती बोतल पे आग फेंक देता हूं। और अब यहाँ पे इस टीम के चारों बंदे छत पे जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अगर अंधा रस किया ना भाई, एक ही चीज बनेगी, वो है पेटी। और ऐसा भी नहीं कि यार नौ कुआवा देख पाओगे आप अपने आप को और फिर पेटी, नहीं भाई, जब चार बंदे गोली चलाएंगे ना सीधा पेटी ही देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे यार सब कुछ मेरे समझ के बाहर हो जाता है। न जाने कौन नेट कर रहा है, कौन गोली चला रहा है, कौन स्मोक फेंक रहा है, और बाहर पे भी कोई बंदा बैठा है, वो भी दूसरी सिक्योरिटी का, क्योंकि चार बंदे तो यहीं ऊपर पे बैठे हैं। तो देखो मैं भी धीरे धीरे रस करूंगा यार, ढेरता यहाँ पे दिखाई ना, यहाँ पे सीधा पेटी बनेगी, और इतना भटकने के बाद ढेरता की वजह से पेटी बन जाए यार, बहुत दुख होगा, दिल पे दर्द होगा। तो करना क्या है, धीरे धीरे देखेंगे कि सीन क्या होता है। पहले तो मैं इंतजार करता हूं इनके नीचे रस करने का, लेकिन ये भी खतरनाक है यार, इनको भी अपने पॉइंट बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तो ये भी रस नहीं करेंगे। और यार ये लोग 1000 IQ नेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या पता मैं 1.5 IQ गेम प्ले कर दूं साइड से, लेकिन कद्दू कुछ नहीं होता। और यहां पे अब मैं थक चुका होता यार, मैं बोलता हूं एक नेड करूंगा, कोई ठिलेगा तो ठिलेगा, नहीं तो यार सीधा ही रस करेंगे ऊपर। ओ कितने गए? दो 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 नॉक। बहुत लोग है। अच्छा वो दूसरे स्पॉट। और यार मैं सच बता रहा हूं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा होता कि भाई मेरे सस्ते नेट से दो बंदे नॉक हो गए, भाई मैं समझ नहीं पा रहा ये। और यार अब ऐसा फीलिंग टैप आ रहा है कि यार नेड और मेरी दुश्मनी आखिरकार जाके शायद खत्म हो चुकी है। वैसे मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि मेरे नेड सस्ते ही रहेंगे, ये जो भी हुआ ये तुक्के में होता है मेरे साथ। खैर जो भी हो, मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव दे देता हूँ। ऊपर दो बंदों की पेटी बना दी थी, और नीचे पता नहीं कौन सी सकौड़ का बंदा खड़ा था, उसकी भी पेटी बना देनी चाहिए। तो अब टाइम आ गया यार बाकी के दो बंदों को पेलने का ऊपर जाके। और सिर्फ इसी घर पे रह के भाई मुझे 5 किल मिल जाते हैं, मतलब रोजॉक गया, पोचंकी गया, सेभरनी गया, कहीं पे भी ढंग से किल नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक घर पे भाई पांच पांच बंदों के किल मिल गए। बहुत ही बढ़िया यार, सही है, कम से कम किल तो बढ़े थोड़े। खैर अब यार जोश टैप आ गया था, अब लग रहा था कि भाई हाँ हो सकते हैं वीडियो बन सकती है, 20 से ज्यादा किल हो सकते हैं जिंदगी में। और धैड पैड जो भी यहाँ पे लूट पड़ी होती है सारी उठा लेते हैं, और देखो बंदे हद से ज्यादा अलाइव हैं अभी। और अगर आपको ऐसा लगा कि यार जो मैंने अभी किया वो गोली की बर्बादी है, तो यार जो सीन आगे होने वाले हैं ना, उन्हें देख के आप बोलोगे यार थोड़ा सा रहम करो गोलियों पे, थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं लगभग लगभग 100 गोली बर्बाद कर देता हूँ, है ना। वो ठीक है यार, चलो गोली बर्बाद की, कम से कम बंदा तो ठिले, बंदा भी ठिलके नहीं देता। मैं सोच रहा हूँ तो भैया आज तो गाड़ी फाड़ेंगे, और हमारे भाई उसका हेलमेट फाड़ देते हैं। खैर जो भी हो, उसके बाद मैं आगे रस करूंगा, और यार आगे जो होने वाला है ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मजा टैप आ जाएगा देख के। तो आगे वाले घरों पे लड़ाई चल रही होती है, करना क्या है यार, किल का मैं अभी भी बहुत भूखा होता हूँ, तो उठाता हूं गाड़ी और दे पटक के मारता हूं घर पे। और यहां पे मैं लगभग 1 से 1.5 सेकंड के बीच में 3 बंदे पेल देता हूं। और बढ़िया बात यह यार, मुझे पता भी नहीं था ऊपर बंदे बैठे हैं। अब देखो मैप में फुटस्टेप जरूर दिख रहे थे, लेकिन यार मैं अपने ही नशे में आगे वाले बंदों को पेल रहा था, तो मैं पीछे मुड़ता हूं, मुझे एक बंदे का पांव दिखता है, अंदर घुसता हूं, भाई एक बंदा साइड में लेटा है, एक बंदा बीच पे लेटा है, एक बंदा नौ को रखा है, तो मैं गोल गोल घूमता हूं और तीनों बंदों को पेल देता हूं। हाँ एक बंदा पता नहीं किसने नॉक करके रखा था, उसकी भी किल चुरा दी मैंने। एडब्ल्यू एम शायद।
और इसी के साथ ये दूसरी सुकौड़ जो दूसरे घर पे बैठी होती है वो भी साफ हो जाती है। तो भाई लोग यार वो 1-1.5 सेकंड में 3 किल वाली चीज के लिए और ये दो दो सुकौड़ को एक साथ पेलने के लिए यार लाइक ठुकरा मत भूलना, बिल्कुल पेल के नीला टैप कर दो। और खुशी की बात यह है कि भाई ये जो बाहर बंदे हैं ना इन पे AWM और ग्रोजा भी पड़ी होती है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में। किल भी ठीक ठाक हो गई, बंदे भी ठीक ठाक बचे हैं और यार गन जितनी महंगी हो सकती हैं उतनी महंगी गनें मिल गई हैं, तो यार अब बंदे पेलने में बिल्कुल मज़ा टैप आ जाएगा। तो मैं ग्रोजा और AWM उठाता हूँ और जा रहा हूँ आगे वाले भेयर हाउस में, क्योंकि देखो जोन में बस यही जगह है जहाँ तक मुझे पता है और बंदे यहीं से देखने को मिलेंगे। और यार AWM उठाइए तो थोड़ी सी सस्ती स्नाइपिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और हमारे साथ साथ एक गाड़ी भी आ रही होती है सामने से। और गेम के आखिर में आते आते मैं बोटो वाली हरकतें करने लगता हूँ, ठीक है, गोली चलाई डैमेज दिया और बस वहीं पे रुक गया मैं। डैमेज के अलावा कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाया मैं। और उसके ऊपर से यार बंदे पेलने की बजाय, बंदे आपस में लड़ने की बजाय कुछ बंदे भैया जोन से ही नोक हो रहे हैं, मतलब इतना डर गए वो लोग अपने पॉइंट के लिए कि भाई जोन में नहीं आए, वहीं पे हिल बैटल करके बैठे। खैर जो भी हो, यहाँ पे बचे कुछ बंदे बाकी हैं। एक सामने गाड़ी गई है पहाड़ के पीछे जिसको मैं सिर्फ डैमेज दे पाया, और पहाड़ के पीछे यार लड़ाई भी भिड़ जाती है और अपने पीछे भी बंदे होते हैं जो कि भगते हुए जोन आएंगे तो यार तभी पकड़ लेंगे उन्हें। खैर AWM होती है तो मैं निकालता हूँ स्कोप खोल के, देखता हूँ कि सीन क्या चल रहे हैं और आखिरकार एक आध बंदे देखने को मिलते हैं। और ये बंदा जो पीक कर रहा था ना यार, ये बहुत अलग लेवल में खेल रहा है। हमारे भाई वो टूटी हुई दीवार के ऊपर चढ़े हैं, उसके ऊपर से घर के पीछे हैं और वहां से पीक कर रहे हैं। खैर जब तक मैं उस बंदे को गलती से हेडशॉट पेलता हूँ तब तक यहाँ पहाड़ के पीछे लड़ाइयाँ भिड़ जाती हैं। स्कोप वगैरह खोल के देखता हूँ मैं, लेकिन यार वो लोग अपने में ही लड़ रहे हैं। तो देखो पीछे से भी जोन आ रहा है तो यार बंदे भी भगते हुए आएंगे, तो भाई रिवाइव हो गए होंगे यार, रास्ते में पकड़ते हैं भाई को। और इसी के साथ यार मैं दो बंदों को तो रोड में भगते हुए पकड़ लेता हूँ, लेकिन उनका आखिरी टीममेट उस बेराउस के अंदर घुसा है। साथ ही साथ पीछे से भी बंदे आ रहे हैं जो पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। तो देखो दिक्कत यह है, गिने चुने ही बंदे बाकी हैं, कुछ बंदे जोन से भी ढिल जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ इस बंदे को पकड़ते हैं, उसके बाद उस बंदे को देखेंगे जो पहाड़ के पीछे गाड़ी लेके भगा था। तो करना क्या यार, अंदर रस कर देते हैं हम। और इसी के साथ जो भी बंदे रोड के उस पार से भग के आए थे सबको पकड़ लिया गया, सबकी पेटी बन गई, अब बस एक ही बंदा बाकी है। और जहां तक मुझे पता है यार ये वही बंदा है जो गाड़ी भगा के गया था जिसे मैंने बोटो की तरह डैमेज दिया था। तो देखो AWM पड़ी है तो क्यों ना गलती से हेडशॉट हो जाए। अब कुछ लोगों को लगेगा यार ये फ्लिक स्कोप था, कुछ को लगेगा भैया ये क्विक स्कोप था, लेकिन देखो हम सबको सच्चाई पता है ये कद्दू भी कोई स्कोप नहीं था। इसे कहते हैं तुक्कों के बल पे काम चलाना, इसे कहते हैं गलती से हेडशॉट, और उसी गलती से हेडशॉट के साथ यार चिकन चुकन हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना यार, बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो उसे। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही गलती से हेडशॉट कद्दू सकोप वगैरह के लिए और वो जो 1.5 सेकंड में बंदे पे ले यार ऐसे सारे गलत सीन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और जाते जाते भाई लोग एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।